गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज है संडे का दिन और आज आ रही है मेरी बहन घर पे, तो हम लोग निकल गए हैं. थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना है घर का, खाने पीने का, चिकन लेना है, मिठाई लेना है, तो बस घर से निकल गए हैं. मानस ड्राइव कर रहा है, तो बस चलते हैं, सामान लेके आते हैं, फिर खाना बनाएंगे. और क्या क्या बना रहे हैं वो आपको दिखाते हैं. तो आ गए हम स्वीट्स लेने के लिए अपनी फेवरेट शॉप हीरा स्वीट्स. यहाँ से अब कुछ मिठाइयाँ लेंगे. पहले छेना टोस्ट, छेना टोस्ट यहाँ का अच्छा है, चमचम गैस है. छेना टोस्ट और हरी भोगिये वाला भी बहुत बढ़िया है दीदी के, हमने खाए हुए हैं. हरी भोग नीचे ये देखो, वाइट वाले स्पॉन्ज भी ले सकते हो. स्पॉन्ज ले रहे हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा छेना टोस्ट ले लेते हैं और चमचम ले लेते हैं. चमचम ये भी चमचम है ये वाला, और ये यहाँ भी एक चमचम लिखा हुआ है. तो दोनों सेम ही है. ठीक है, दोनों थोड़ा. तो हमारा खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है. ये चिकन बन चुका है, थोड़ी देर और इसमें टाइम है अभी. इसके बाद ये चिकन पूरा रेडी हो जाएगा, इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे. और इसके अलावा है ये कद्दू वाली दाल, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाती है, इसके लिए हमने ये दाल कद्दू बनाया है. और चिकन करी है, राइस, रोटी, स्वीट्स. तो ये है हमारी आज का मेन्यू. बस इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे, चिकन रेडी हो जाएगा. और ये बेसिक सा चिकन है, इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों से पहले शेयर की ही है. ये क्यूट सा बच्चा आज घर पे आया है मेरे. तो मेरी सिस्टर आ गई है और अब मैं इसको लेके आ गई हूँ यहाँ पे नर्सरी प्लांट्स लेने के लिए. मिर्च का पेड़ लगाओ, मत लेना मिर्च को घर में जाकर. मिर्च का पेड़ नहीं लगाना है, ये मनी प्लांट नहीं चलता दीवारों पे. वैसा ही है. तो तुम ये पान का पेड़ लोगे तो उसके तुम पानी नहीं खाने लग जाओगी रोज रोज. क्या कर रहे हो? पूल में चलना है. अरे मेरे से भाग क्यों रहे हो? क्यों भाग रहे हो मेरे से? तो वीडियो बना रही हो तो क्या हो गया, आप भाग क्यों रहे हो? अरे एक बार चेहरा दिखा दो. अरे दिखा दो, दिखा दो. अरे एक बार दिखा दो. अरे दिखा दो, दिखा दो ना. आए हो, सबूत तो होना चाहिए. अरे इस पे बैठो तो सही. छोना क्या कर रहे हो? आप बैठो, मैं आपको घुमा दूं. नहीं नहीं नहीं, मत घुमाओ. धीरे धीरे धीरे. ओके धीरे. बस 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 छोड़ दूं? चक्कर तो नहीं आ रहा? चक्कर आएगा तो मुझे बताना. अभी तक चक्कर आ रहे हैं, मैं अभी कुछ ज़्यादा ये हैंडल नहीं कर सकता. तो आप क्यों बैठे हो उस पे? आप 2 साल के तो नहीं हो? क्योंकि I like doggies. अरे अच्छे से. बाय. की नहीं रहा है. ठीक है, चलो बाय. Hey guys, good morning. तो ये हो गया next day. और हम लोग आ गए हैं वॉक करके. उसके बाद यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं. मानस भी यहाँ पे बैठा हुआ है. और अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आज एक्चुअली जन्माष्टमी है, तो पास के इस्कॉन टेम्पल है, हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं. लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:30 हो रहा है ना, 6:30 हो रहा है. तो हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा नहा के फ्रेश हो जाएँ, उसके बाद 7 बजे भी जाएँ. तो आई होप कि मंदिर खुला मिले, क्योंकि उसके बाद मैनेज किया छुट्टी नहीं है, उसको जाना है अपने काम से. तो 7:00 हम एक बार जाके देखते हैं कि मंदिर खुला होगा तो जन्माष्टमी के हम दर्शन करके आएंगे.
तब तक बस 5-10 मिनट हम यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। और कल रात का ब्लॉग जब बहन लोग आई थी तो वो मैंने आपको दिखाया था, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है। एक बार हम यहाँ बैठे हैं, आपको नीचे जरा अपना स्विमिंग पूल भी दिखा दूँ। तो ये है एक्चुअली हमारा स्विमिंग पूल, जो कि जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं अभी तक हमें इसमें कूदने का जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो बस हम इसको दूर दूर से देख रहे हैं, जब इसमें नहाने का परमिशन मिल जाएगा, कोविड के कारण अभी एंट्री भी इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब इसमें हमने भरपूर यूज़ किया है एक चीज़ का, हाँ सन बेड। अच्छा हाँ, तो हम अगर स्विमिंग पूल नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो हम इसका सन बेड जो है बस यहीं से हम स्विमिंग पूल का देख देख करके आनंद ले लेते हैं। अब जल्दी ही सब कोविड का नॉर्मल होगा, फिर हमें स्विमिंग पूल में कूदने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम यहाँ नहाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सब आपको जो भी है इसकी झलकियाँ आपसे शेयर करेंगे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आप बताते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। नेहल वाइट पैंपस ग्रास तोड़ रही है, तोड़ना आसान है स्नेहल की, बहुत मुश्किल से टूट रहा है ये, बहुत सारा बहुत ही सुंदर। इजीली टूट रहा है माना, देखो मैंने कितना सारा तोड़ लिया, बस 4-5 ले लो ना, बस काफी है। तो हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए हैं, निकल गए हैं, भी ड्राइव कर रहा है, और रास्ते में देखिए मुझे क्या मिल गया, ये पैंपस ग्रास साइड में था। हमने गाड़ी निकाल लगा करके इसको तोड़ लिया है, उसको मैं घर पे जाकर डेकोरेट करूँगी। बहुत दिन से मैं इसको लेने का सोच रही थी, लेकिन अब रास्ते में मिल गया तो फिर इसमें क्यों मैं पैसे खर्चा करूँ। वैसे भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऐसे मिल जाती हैं हमारे नेचर में, हमारे आसपास, लेकिन अगर उसको ऑनलाइन साइट्स पर देखेंगे तो ये बहुत महंगी महंगी मिलती है। तो अच्छा है, ये मेरा डेकोर का काम आएगा। गए हैं हम इस्कॉन टेम्पल, और ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चों को। तो ये हम इस्कॉन टेम्पल से आ गए हैं, दर्शन कर लिया हमने, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं अलाउड है, तो अंदर का आपको नहीं दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये क्यूट क्यूट बच्चे, क्या क्या नाम है तुम लोगों का, क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम वाना और इसका नाम विशाखा। आपका? अच्छा, आप लोग सब बहुत क्यूट लग रहे हो, इनकी तो मुझे धोती बहुत अच्छी लग रही है। और ऐसा वाला टी शर्ट कहाँ से मिलेगा? वृंदावन। ओह, वृंदावन से। और ये वाले टीका कहाँ से लगा सकते हैं जो लगाया आपने? ये ग्रेटर नोएडा में भी अवेलेबल रहता है, यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। अच्छा, और नोएडा जो है ना, नोएडा स्कॉन मंदिर से मेरे को टीका मिला था, और उसके साथ ये तिलक वाला भी मिला। बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग, हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू, सेम टू यू। हाँ, तुमने कैसे पहचाना? पहचान लिया, बहुत वीडियो बना रहे थे। ओके, चलो बाय बाय। तो मंदिर से आने के बाद बस हमने अब फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी है, ये साड़ी का फोटोग्राफी भी हो रहा है। तो ये लिनन की साड़ी है, और ये कितना, कौन से नंबर की साड़ी है माना हमारी? 8th नहीं, मेरे ख्याल से 10th है ये। 9 साड़ीज हमने ऑलरेडी शूट करी है, ये 10th है। तो ये देखिए, ये लिनन की बहुत सुंदर साड़ी है, मैंने सोचा एक बार आपको दिखा भी दूँ। और अभी कुछ थोड़ी और बच रही है, तो इसको भी हमें फिनिश करना है। मैं आपको एक बार पीछे दिखा देती हूँ, ये रही ये साड़ीज, अभी इनको शूट करना है। प्लस साथ में मैं आपको ये दिखा दूँ, जो पैंपस ग्रास अभी हमने तोड़ा था वो रहा ये, इसको डाल दिया हमने बड़े प्यार से। और अभी तो मैं इसको यहाँ पे अपने बैकड्रॉप में यूज़ करूँ, इसलिए यहाँ रखा है। बाद में अगर होगा तो इसके बॉटल चेंज करके इसको कहीं और लगा देंगे। हमारे कैसा लग रहा है ये? ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही सुंदर लग रहा है। भी आजकल ऐसे अगर आप ऑनलाइन किसी साइट पे देखेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, और हमें तो अभी सस्ता सा रोड पे बस चलते चलते हमने तोड़ लिया। तो अच्छा, ये होम डेकोर का काम फिलहाल तो कर रहा है, लेकिन ये झड़ रहा है, झड़ तो नहीं जाएगा पूरा? वो कॉटन है सारा उसमें, तो ज्यादा हवा विंड लगने पर ना। अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छे से दिखा दो मेरा पूरा वहां का पीस सबको दिखा। ये देख लीजिए, तो बस ये वीडियो एक्चुअली काफी लंबा ना हो जाए तो हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल की वीडियो और आज की वीडियो क्लब करके हमने एक वीडियो बनाई है। तो
बस इतना सा हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग था प्लस संडे का ब्लॉग था जो कि मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो दोनों को मिला करके हमने एक वीडियो बना दिया और इस वीडियो को आगे और नहीं बढ़ा रहे हैं, यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लव यू ऑल, बाय बाय।